my money right. Yeah, I'm looking at the bank same as I do not want to tell. Yeah, nuts with my gang. Give me just a stand. Hello guys, ki haal hai tuhada? Sunao bhai, khul gaye school, kaisa aaya result? तो यार आज ना मैं बैठी बोर हो रही थी बहुत सख्त, तो मैंने सोचा क्यों ना टीवी देखा जाए। अभी देखना शुरू ही किया था कि सामने आ गए जी एड। अब आपको तो पता है कि ड्रामे से ज्यादा तो एड आते हैं जी। पहला एड मैंने देखा एरियल एड। एड को देख के मैं हैरान ही होगी, मैं कहा इतना अजीबो गरीब एड, तो ये आवाम को पागल समझते हैं ये बना रहे हैं। चले आपको बताती हूँ जी। सीन कुछ ऐसा है कि वसीम अकरम के घर के बाहर दुनिया जहान की वेली तरीन औरतें मुंह चक के आ गई हैं। ओए वसीम बाहर निकल, तन में दसेनिया एक केड़ा पाउडर ले देता है, ए तो ना कोई जाग बनाउंदा ते ना कोई दाग कटदा, ओ बाहर निकल। नहीं बंदा देख कर आया था, इतनी सुबह सुबह तुम लोग मुंह चुक के आ गए हो, क्या पता बंदा बाथरूम में कोई जरूरी काम कर रहा हो। खैर वहीं पर्दे से वसीम भाई ऐसे झांकते हैं जैसे लड़कियां कुर्बानी होते हुए बकरे को देखती हैं। साथ ही मेरी नजर पड़ी इस वैन पर जो इतनी साफ सुथरी और नई नवेली थी और इस पर लिखा था BFM TV। सोचा मुझे तो जमाना हो गया टीवी देखते, लेकिन मैंने आज तक ऐसे चैनल का नाम सुना नहीं। तो मैंने फटाफट सर्च किया, मैं कहा जरा चेक तो करूं ये कोई नया चैनल आया, तो ये देखें BFM TV पाकिस्तान का है ही नहीं। ये हमको पागल बना रहे। तो हो जाए मुकाबला। मुकाबला भी शुरू हो गया। ये मैडम इतनी वेली थी कि इतनी दूर से स्कूटी पे आ गई, और ये मैडम मेरे ख्याल में चावल उतारना सर से भूल ही गई थी। इतने बड़े कपड़े पे इतना सा सालन पड़च करके आंटी ने डाल दिया, और ये केचप और ये इंक। अब ट्विस्ट देखें जरा यहाँ पर, जहाँ ये लड़कियाँ गन फैलाने में मसरूफ थी, वहीं वसीम भाई गायब हो गए और किसी को पता ही नहीं चला। मतलब जिससे बात करना आया वही तुम्हारे सामने से गायब हो गया, तुम लोग को पता ही नहीं है। और ये आगे जी ट्रक लेकर, पैर के भी निशान लग गए। ये हो गया जी कट, इतनी तेज कैंची जी धुल गए कपड़े। लेकिन ये क्या इतना लंबा कपड़ा काटा, और ये श्रिंक होके इतना छोटू सा कैसे हो गया, और ये फिर से कैसे जुड़ गया? मतलब यार लॉजिक नहीं समझ आई। ये कपड़ा काटा भी था कि कोई नहीं काटा था, ये कौन सा कपड़ा धोया था जो कि दिखाया ही नहीं। वाओ दिस इज आउट ऑफ द क्लास। फिर जी एक और एड आ गया, पेप्सी का एड। वैसे इस एड से पहले मैं पेप्सी की बहुत बड़ी फैन थी, मैं पेप्सी ही पीती थी, लेकिन इस एड को देखने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने पेप्सी पीना ही छोड़ दी। तो जी फवाद साहब आए हैं एक ढाबे पर, और ढाबा इतनी गंदी जगह पर दिखाया कि क्या ही बताऊं। वहां पर ये दो खूबसूरत लड़का लड़की बैठे अपने जले हुए पिज्जे और कबाब वाले बर्गर को देख रहे हैं। यार मैंने आज तक किसी ढाबे पे पिज्जा बना हुआ नहीं देखा। फवाद साहब बड़े स्टाइल से लड़के को कहते हैं कि भाई बोतल ले आ। लड़का कहता चल अपने जाके खुद ही ले आ। देखें जी एक खूब अंधेरे वाली जगह पे फ्रीजर खड़ा हुआ है, और इतना ठंडा यह है कि धुआं छूट रहे हैं। मेरे तो घर के फ्रीजर से इतने धुएं निकलते जो ना इस फ्रीजर से निकल रहे हैं। एनीवेज फवाद साहब ने अब दो घूंट पी के बोतल को दे मारा टेबल पे, तो जी चमत्कार देखे कि ये लोग के चाइना चले गए। अनिया मैंने जब ये सीन देखा तो उसने भी सोचा कि मैं जला हुआ पिज्जा ना चेंज कर लेती हूँ। उसने पीछे से एक चीनी बंदे को आंख मारी और उससे फटाफट एक बोतल लेकर उसने भी दे मारी टेबल पर, और उसका भी पिज्जा चेंज हो गया और उसकी जगह भी चेंज हो गई। सही हो गया भाई। बट साहब रह गए। अब बट साहब ने वेटर की ट्रे से पेप्सी उठा ली, जब वेटर को पता ही नहीं चला और वेटर ने कुछ कहा भी नहीं, मुस्कुराता जा रहा है। वाहिद एड्स ही हैं जिनमें बोतल पीने के बाद भी बोतल फुल रहती है। मतलब मैं तो यहाँ पे दो घूंट भी पी लूं तो ऐसा लगता है जैसे मैंने आधी बोतल पी ली हो। तो यार ये एड देखने के बाद मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं भी ऐसे ही करूं, तो चाइना घूम आऊंगी। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी खाने में क्या बना है। अम्मी ने कहा बैंगन। मैंने कहा लो जी गौरी आया है। मैंने कहा ले आओ भाई पेप्सी भी मैंने मंगवा ली। लो जी मैंने खोली पेप्सी और दे मारी टेबल पे। चाइना तो मैं क्या ही जाती, सालन की प्लेट ही मेरे मुंह पे आके गिरी। उसके बाद से मैं अब फेंटा ज्यादा शौक से पीती हूँ। एक तो आपको पता है कि इश्तेहार तो बहुत ही आते हैं, तो मैंने सोचा चैनल चेंज कर लेती हूँ, लेकिन चैनल चेंज किया वहाँ पर भी इश्तेहार। लवली का इश्तेहार एडिया स्पीडा, इतनी स्पीड क्यों लगाई है बहन, कहीं जाना है क्या? इतनी साफ सुथरी लड़की पर गंदगी चेक करें आप, और साबुन तो लग रहा है लेकिन झाग कहाँ है? ये कंधे पे झाग बनी थी वो भी गायब होगी। जब मैंने पीछे गौर से देखा तो इतनी बड़ी अपशॉर जैसा शॉवर चल रहा है, मतलब तो ऐसे शॉवर मैंने आज तक किसी लैंडलॉर्ड के घर पे भी नहीं देखे। और ये इतना मेकअप लगाकर कौन आता है भाई? मस्कारा, आई शेडो, बेस, लिपस्टिक सब कुछ लगाकर भी कौन ना आता बहन? पता नहीं लोगों में कौन सा कीड़ा है भाई गोरे होने का। यहाँ पर एडिटर साहब ने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, लड़की का मुंह और बाजू तो गोरा कर दिया, बेचारी के हाथ काले छोड़ दिए। खैर एड्स के बाद मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं अभी उठकर भी बंद करने ही लगी थी कि पीछे से आवाज आई कि पुप्पो आ गई है, एंड आगे आपको अंदाजा होगा कि क्या हुआ होगा। मजाक कर रही हूँ यार। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, कमेंट डाउन करें आपको कौन सा एड जहर तरीन लगता है आपके फेवरेट ड्रामे में जो आ जाता है। अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ये रही मेरी लास्ट वीडियो, अगर नहीं देखी तो जरूर देखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
I got broads in Atlanta. Chasing the lean, the family. Credit cards in the sky.